लड़की का भाई चिल्लाया 302 लगाए मंत्री हैं तो क्या। शिक्षा मंत्री परमार की बहू ने फांसी लगाई, आरोप लगाने पर भाई को जबरन घर भेजा। स्कूल शिक्षा मंत्री की बहू के सुसाइड के मामले में मृतका के भाई ने मंत्री के सामने चिल्लाना शुरू कर दिया, 302 की धारा लगनी चाहिए, मंत्री हैं तो क्या हुआ। युवक के इतना बोलते ही हंगामा हो गया, लोगों और रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया, कुछ उसे मारने और धमकाने लगे तो कुछ रिश्तेदार उसे पकड़कर अलग ले गए। आनन फानन में गाड़ी में बैठाकर उसे गांव भेज दिया। त्रिंदर सिंह परमार की बहू शविता परमार का शव उनके गांव पोचानेर में बुधवार सुबह 10:15 में पहुंचा। 5 मिनट घर में शव रखने के बाद मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। शव देखकर शविता के पिता जोर जोर से रोने लगे और बेहोश हो गए। उन्हें उठाकर घर के दूसरे कमरे में ले जाया गया। अंतिम संस्कार से लौटने के बाद 11 बजे जैसे ही हाथ जोड़कर मंत्री इंद्र सिंह परमार घर के बाहर लोगों का आभार जता रहे थे, तभी रिश्ते में लगने वाले शविता के भाई ने चिल्लाना शुरू कर दिया। फक्त घर में नहीं थे पति और ससुर। मंगलवार की शाम मंत्री के गाँव पोचानेर स्थित घर में उनकी 22 साल की बहू सविता ने फांसी लगा ली थी। उस दौरान घर पर मंत्री नहीं थे, ना ही उनका बेटा देवराज। आज सुबह सुजालपुर में पोस्टमार्टम होने के बाद मंत्री की बहू का शव गांव पहुंचा। मृतका के परिवार वाले भी गांव से आए हुए हैं, लेकिन कोई भी बोलने की स्थिति में नहीं है। 3 साल पहले हुई थी शादी। सविता की शादी स्कूल शिक्षा मंत्री परमार के बेटे देवराज के साथ 3 साल पहले हुई थी। 1 साल से पति पत्नी के बीच कुछ अनबन चल रही थी। शादी के 3 साल बाद भी दंपति को कोई संतान नहीं थी। दोनों की अरेंज मैरिज थी। लड़की का मायका अकोदिया के हड़ाले गांव में है। यहां से 1 दिन पहले ही सविता पोचानेर ससुराल आई थी। मंगलवार को सविता का शव ससुराल यानी सुजालपुर के पोचानेर में फंदे पर लटका मिला। शुरुआती जांच में यही माना जा रहा है कि पारिवारिक समस्या के चलते सविता ने आत्महत्या की है। घटना की सूचना मिलने पर अवंतीपुर बड़ोदिया थाना की टीम मौके पर पहुंची थी। काफी देर तक मामले को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में ये खबर फैल गई। साजापुर SP पंकज श्रीवास्तव ने रात को घटना की पुष्टि की। आप सभी देख रहे हैं तत्काल संदेश। नई खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे हर नई खबर आपको मिलती रहे।